केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से पुलिस प्रशासन भले ही कितनी कोशिश कर ले, लेकिन थाना स्तर पर जन सामान्य की सुनवाई करने को पुलिस तैयार नहीं है। हालत यहां तक पहुंच गए हैं कि थाना स्तर से निराश आज एक बुजुर्ग और भूतपूर्व सैनिक ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कार के आगे कूद कर जान देने की कोशिश की। साथ ही कहा कि अगर उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। एसएसपी कार्यालय के बाहर एकाएक हुई आज इस घटना से सभी के हाथ पांव फूल गए। पुलिस कप्तान ने कार्रवाई के आदेश देते हुए पीड़ित को अपना मोबाइल नंबर यह कहते हुए दिया कि यदि अभी भी थानेदार कार्रवाई न करे तो बताना। पुलिस कप्तान द्वारा कार्रवाई न होने पर बताना जैसी बात कहना कहीं ना कहीं पुलिस कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करने के काफी है। एक बुजुर्ग जिसे पुलिस व पुत्र वधु ने इच्छा मृत्यु मांगने के हालत पर लाखड़ा किया, उनका नाम वीरेंद्र सिंह है, निवासी ग्राम कैली थाना खरखौदा है। बतौर सैनिक उन्हें 4 मेडल से भी नवाजा जा चुका है। दरअसल उनके पुत्र नितेश मलिक का विवाह ग्राम कुनकुरा थाना इचौली की युवती से हुआ था। वीरेंद्र सिंह ने खुला आरोप लगाया कि हाल ही में उनके घर के बाहर पुत्र वधु ने सीसीटीवी आदि भी तोड़ डाले, यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इसके बाद वीरेंद्र सिंह से सुनिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा वीरेंद्र सिंह नाम है जी, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं आज यहाँ इच्छा मृत्यु के लिए आया हूँ। पूरा परिवार हमारा संविधान के दायरे में, जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो हमें इच्छा मृत्यु तो दे सकते हैं ये लोग। अगर मेरी पुत्र वधु के साथ पहले मैंने विवाह करा था लड़के के साथ, जहर देकर मारने की कोशिश की 2 महीने के बाद, जब वो नहीं मरा उसको मैंने बचा लिया, तो अब हमारे घर में अपना सामान भर कर ले गई उसके बाद पूरा। और अब आकर अभी 30 तारीख में इतवार के दिन पूरा सामान उखाड़ के ले गया, कैमरे उखाड़ दिए, पुलिस प्रशासन की देख रेख में उखाड़े, गाड़ी खड़ी हुई है जिप्सी की, जिप्सी गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस वाले खड़े हुए, उनकी देख रेख में कैमरे उखाड़े, उनकी देख रेख में मेरे पे पथराव किया हुआ। आज मैं एसएसपी ऑफिस आया, आज एसएसपी ऑफिस आया था मैं इच्छा मृत्यु के लिए, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, इसमें कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा मेरा। गाड़ी के आगे लेट गया था मैं, मेरे को तो मरना है, तो हमारे को तो पूरा परिवार को ऐसे ही मारने तो अच्छा है। जब गाड़ी के आगे लेटे तो कप्तान साहब ने बोला कि आज हम कार्रवाई करवा रहे हैं आपकी, पहले भी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया, मैं परसों भी आया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आज दोबारा मेरे पे कल फिर हमला हुआ, मेरा कैमरा तोड़ दिया और बोला साढ़े या तो फैसला कर ले और नहीं तो तेरे को गाड़ी से हम एक्सीडेंट से मार देंगे दोनों बापू बेटों को। किसने कहा? ये लड़की वालों ने, और दरोगा जी भी साथ में थे, लक्ष्मण सिंह जी, हाँ जी, दरोगा जी के सामने लक्ष्मण सिंह जी साथ हैं, उनके गाड़ी भी खड़ी हुई है, वहाँ जो वीडियो में है उसमें गाड़ी भी खड़ी हुई है। आप अंदर मिले हैं? साहब से ने बोला है कि जाओ सीओ साहब से मिल लो, हाँ एसओ साहब से, और अपना नंबर भी दिया साहब ने, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारे को बताना। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट वॉच में। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।